चलिए आज ट्राई करते हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि हेल्दी है, इजी है और बहुत ही यम्मी है और हटके भी है। नमस्कारम, आप सभी का स्वागत है श्री आहार में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू की सब्जी, कैरेट टोमेटो राइस और कैरेट टोमेटो लिक्विड डो पराठा। ये रेसिपी अगर आपने ट्राई की है पहले तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में चाहिए गाजर, मैंने यहाँ 5 गाजर लिया है जिसे टुकड़ों में काट लिया है, और हमें चाहिए टमाटर, 3 टमाटर लिया है मैंने, और मसालों में हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा और नमक। सबसे पहले एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच तेल, ज़्यादा तेल नहीं लेना यहाँ पे हमें। 2 चम्मच तेल में डाल दिया है अदरक, मैंने 1 इंच के लगभग अदरक लिया है, और हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च डाल दी, और फिर इसमें डाल दिया है गाजर जिसे हमने पहले ही काट लिया था, और डाल देंगे साथ में कटे हुए टमाटर। अब इन सबको हमें भूनना है। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, और यहाँ हमें बस इन सबको गलाना ही है, बहुत ज़्यादा भी भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर, बस 4-5 मिनट भूनने के बाद इसे ढक देना है। और चलिए तब तक ड्राई रोस्ट कर लेते हैं अपने स्पाइसेस को। खड़े मसालों को बस 2 से 3 मिनट भून लेना है। खड़े मसालों में हमने लिया था काली मिर्च लगभग 15 से 20, और जीरा 1 छोटी चम्मच, और दालचीनी 1 इंच के लगभग, और इन सबको बस 2 से 3 मिनट में ये भून जाएंगे। इन्हें जलाना भी नहीं है, इनमें से खुशबू आने लगेगी, और फिर इसे निकाल लेना है एक प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। चलिए अब चेक कर लेते हैं टमाटर और गाजर पके हैं या नहीं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, और बस अब इतना ही इसे हमें गलाना था। अब हम इसे बंद कर लेंगे, निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, बाद में हम इसका पेस्ट बनाएंगे। और चलिए तब तक बना लेते हैं आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन चलिए ये इस तरीके से आप बनाकर देखिए। तो पहले पैन में ले लिया है तेल, और उसमें डाल लिया है जीरा 1 चम्मच जीरा, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हींग चुटकी भर, और इसमें फिर डाल दिया है तेज पत्ता 2। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। और अब इसमें ले लिया है सूखी लाल मिर्च, 3 लाल मिर्च ले ली है मैंने, और इसे तोड़ कर डाल देना है। अब यहाँ ले लिया है बेसन 2 चम्मच, और फिर इसे 2 से 3 मिनट भूनना है बेसन का कच्चापन निकालने के लिए। और अब इसमें मैंने डाल लिया है पानी, थोड़ा सा पानी डाल के इसे साथ में भूनते रहेंगे। भूनते रहना ज़रूरी है ताकि गुठलियाँ ना बने। और यहाँ 1/2 कटोरी के लगभग पानी लिया है मैंने। और अब इसमें मैं डाल दूंगी मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ले लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, और अब डाल दिया है नमक। नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया है, आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, और डाल दिए हल्दी 1 चम्मच, और इन सभी मसालों को बेसन के साथ थोड़ी देर भूनना है, लगभग 2-3 मिनट बस। और अब इसमें डाल लिया है गरम मसाला 1.5 चम्मच। इस तरह से आलू की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत है। अब यहाँ डाल देना है बॉइल्ड आलू, मैंने 5 आलू लिया है जिसमें से कि 4 को बड़े बड़े टुकड़ों में हाथ से तोड़ के डाला है, और 1 आलू को अच्छी तरीके से मैश करके, इससे ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। और अब आलू को सारे मसालों के साथ थोड़ी देर तक भूनना है। आलू को मसालों के साथ भूनना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ डाल दिया है आमचूर पाउडर 1 चम्मच, अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह डाल सकते हैं चाट मसाला, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर डालें। अब इसमें डाल देंगे पानी, पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आपको अगर ग्रेवी बहुत गाढ़ी बनानी है तो आप कम पानी डालें, अगर ज़्यादा रस वाली बनानी है तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैंने 3 कटोरी पानी डाली है,
और अब आलू को इन सब के साथ मिला के और बस अब ढक देंगे और 7 से 8 मिनट में हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। बहुत इजी है ना। चलिए तो अब बनाते हैं राइस और लिक्विड डो पराठा। और इसके लिए हमने पहले ही गाजर और टमाटर को भून लिया था। अब चलिए इन सब को ग्राइंड करेंगे क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है। तो यहाँ ले लिया है एक जार और उसमें डाल दूंगी मैं टमाटर, गाजर, मिर्च और अदरक, और डाल देंगे इसमें भुने हुए खड़े मसाले और बस अब कर देंगे इन सबको ब्लेंड। और ये देखिए ये पेस्ट कितना फाइन पेस्ट बना है और ये देखने में कितना अच्छा दिख रहा है और हेल्दी तो ये है ही। चलिए अब आलू की सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। 7-8 मिनट तक इसे ढककर पकने दिया और ये हो गई रेडी। और अब इस पर डाल लेंगे घी, घी का फाइनल टच दे दिया और बस सब्जी रेडी है। अब ले लेंगे कुकर, कुकर में डाल दिया है तेल, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने 3 चम्मच और इसमें डाल दिया है तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ता लिया है। और अब इसमें डाल दूंगी गाजर और टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया था वो 1 कटोरी पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे लगभग 2-3 मिनट। और उसके बाद डाल देंगे नमक, नमक यहाँ मैंने लिया है 1.5 चम्मच और लिया है बिरयानी मसाला 1 बड़ा चम्मच और लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच और इन सभी को थोड़ी देर तक भूनना है, लगभग 4-5 मिनट तक इन सबको भूनेंगे। और अब इसमें डाल लेंगे चावल, चावल को पहले से ही धोकर रख लिया था, यहाँ मैंने 3 कप चावल लिया है और इन सबको थोड़ी देर 2 मिनट बस और भूनेंगे। और उसके बाद डाल देंगे पानी। ये राइस बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस राइस को। और इसके साथ आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, ये इतनी टेस्टी है। तो मैंने 3 कटोरी पानी लिया है और पानी आपको उंगली के हिसाब से इतनी चावल के ऊपर तक लेनी है। और उसके बाद इसे बंद कर देंगे, कुकर को बंद कर देंगे और 1 विसल होने तक पकने देंगे। और मेरा राइस रेडी है, ये देखिए, ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अब बनाते हैं लिक्विड डो पराठा। तो यहाँ मैंने ले लिया 2 कटोरी गेहूँ का आटा और 1 कटोरी अपना पेस्ट डाल देंगे गाजर और टमाटर वाला। और अब इन सबको मिलाएंगे। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिलाना है, एक बार में ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। आजकल लिक्विड डो पराठा तो बहुत तरीके का बन रहा है, लेकिन ये गाजर और टमाटर वाला एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। गाजर टमाटर बहुत हेल्दी भी है और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इसमें डाल दूंगी मैं नमक, नमक यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है और इन सबको फिर से मिला देंगे। और अब ले लिया है एक नॉनस्टिक पैन और उसमें डालेंगे हमारा लिक्विड डो, इसे इस तरीके से डाल देंगे और बस थोड़ी देर वेट करेंगे, ये अपने आप ही बन जाएगी। थोड़ा सा तेल लगा लिया है, इसमें तेल लगाना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप बिना तेल के ट्राई करेंगे तो हो सकता है ये पैन पे चिपके। ये देखिए पराठा कितना अच्छा दिख रहा है, आप सिर्फ ये पराठा और आलू की सब्ज़ी भी खा सकते हैं, इसके साथ आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है साथ में, या सिर्फ चावल और आलू की सब्ज़ी, लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का है। और इसी तरीके से बाकी के पराठे भी बना लेंगे। इसे आप सिर्फ ब्रेकफास्ट पर बना के भी खा सकते हैं सिर्फ दही के साथ, लेकिन आलू की सब्जी के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी कैसी लगी है आप ज़रूर बताएं मुझे। और अगर आपने ऐसा कुछ पहले ट्राई किया है तो वो भी कमेंट में बताएं।
और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बाकी वीडियोज़ भी देखिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।